नोएडा में चिला बॉर्डर पर लगातार पिछले 22 दिनों से किसानों का धरना जारी है। किसानों के आगे बढ़ने की जो रणनीति है वो भी अब देखते हुए प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट है। किसान संगठन को आगे बढ़ने से रोकने के लिए क्या कुछ प्रशासन की तैयारी है, इसी का जायजा लिया है हमारे संवाददाता दानिश अजीज ने। देखिए, हमारा जो आंदोलन है एक तरीके से चल रहा है, आपको जैसे ज्ञात होगा, और ये आंदोलन जब तक किसानों की मांगें नहीं मानी जाएंगी चलता रहेगा। 5वां दिन है और हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं, जब तक सरकार ये कानून वापस नहीं लेती, ये तीनों अध्यादेश वापस नहीं करे जाते और किसान आयोग का गठन नहीं होता और जो किसान भाइयों का कर्जा है वो माफ नहीं होता, तब तक हम लोग यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे। चिल्ला बॉर्डर पे लगातार धरना प्रदर्शन जारी है, 5 दिन से भूख हड़ताल चल रही है। इस वक्त हम चिल्ला बॉर्डर पे ही खड़े हुए हैं, तो आज पुलिस प्रशासन में भी कहीं ना कहीं घमासान छिड़ा हुआ है। कल एक और संगठन आया था, उसने कहा था दिल्ली से नोएडा जाने वाला जो रूट है वो ब्लॉक करेगा, वो रूट वो बंद करेगा, जिसकी वजह से जो महामाया फ्लाईओवर है वहीं पर जो है बैरिकेडिंग कर दी गई है, जो गाड़ियां निकल रही हैं उनको चेक किया जा रहा है। यानी ये साफ एक संदेश पुलिस ने दिया है कि अगर दूसरा संगठन यहां आने की कोशिश करेगा तो उसको पहले से ही रोक लिया जाएगा। भारी पुलिस बल महामाया फ्लाईओवर के नीचे तैनात है बैरिकेडिंग लेकर, और साथ ही चिल्ला बॉर्डर पर भी भारी पुलिस बल तैनात किया गया जिस तरीके से कल ऐलान किया गया था। वहीं दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट पर जो सुनवाई होनी है, जो सुनवाई होगी उसके ऊपर भी नजर बनी हुई है। उम्मीद लगाए निगाहों से किसान उस सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं, तो देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आना है, और साथ ही जो यहां पर दूसरा संगठन आने का ऐलान कर चुका है वो यहां पर आ पाता है उससे पहले ही पुलिस उनको रोक लेती है। कैमरा पर्सन सारित के साथ दानिश, भारत समाचार, नोएडा। सुप्रीम कोर्ट में